POA, पावर ऑफ अटॉर्नी, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ऐसा लगता है कि आप अपने जायदाद किसी के नाम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इसका मतलब सिमिलर ही है। एक तरीके से आप अपने ब्रोकर को अलाउ कर रहे हैं कि आपके बिहाफ पे एक्सचेंज में वो सेल ऑर्डर आपके नाम पे कर सके। इसका मतलब है कि शेयर्स वो बेच रहा है लेकिन शेयर्स आपके हैं, हालांकि कंसेंट आपकी होगी, आपसे पूछा जाएगा, इनफैक्ट आप ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। 99% केसेस में ये चीज़ जेन्युइन होती है, आधे 1% केसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। पीओए के लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है तो ज़्यादातर जो प्रोसेस है आजकल ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड हो, फीस देना हो या कोई भी डिटेल्स डालने हो। पीओए की फॉर्मेलिटी अभी तक ऑफलाइन रही है, इनफैक्ट काफ़ी ब्रोकर्स के साथ अभी भी है। अपस्टॉक्स ने इसको भी ऑनलाइन करने का प्रोविजन किया है रिसेंटली ईडीआईएस की फैसिलिटी की मदद से। इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से आप ईडीआईएस का फायदा उठा सकते हैं अगर आप उनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपस्टॉक्स भारत का एक डिस्काउंट ब्रोकर है, अच्छे ब्रोकर्स में आता है डिस्काउंट ब्रोकिंग लेवल पे। उसका भी हमने डीमैट अकाउंट का रिव्यू बनाया है, अलग से देख सकते हैं उसको। तो अपस्टॉक्स ने रिसेंटली ही पीओए फॉर्मेलिटी को डिजिटाइज कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है ईडीआईएस की मदद से। ईडीआईएस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये ऑफलाइन तरीका रहा है लेकिन भारत का ये पहला ब्रोकर बना है जिसने इस फॉर्मेलिटी को भी ऑनलाइन कर दिया है। आने वाले समय में और ब्रोकर्स भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे क्योंकि फ़ायदा है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि इनको फिजिकल जो फॉर्मेलिटी रही है एक, उसको भी ऑनलाइन कर देना चाहिए था। तो अपस्टॉक्स पीओए में बेसिकली होगा क्या जब आप उसको ऑनलाइन करेंगे? तो पहले आप इसको फिजिकली कुरियर करते थे फॉर्म को, लेकिन जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे तो आप एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ये ओटीपी आपके रजिस्टर्ड फोन या ईमेल आईडी पे जाएगा, आपको ओटीपी देखना है और वो ओटीपी आपको अपने ट्रेडिंग ऐप में जब ट्रेड प्लेस कर रहे हैं उस पर डालना है। ओटीपी वेरिफिकेशन पे आपका पीओए का फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा और सेल का ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि ये इक्विटी डिलीवरी में ही अवेलेबल रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान आपको वही पुरानी फॉर्मेलिटी का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्मेलिटी अभी नहीं है। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन टर्नओवर कर सकते हैं इस फॉर्मेलिटी का पीओए का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए ही फैसिलिटी ये अवेलेबल है। जो पुराने अकाउंट होल्डर्स हैं जिनके शेयर्स आईलैंड एफएस के साथ डीमैट अकाउंट के थ्रू खुले हुए हैं, उनको अपने ये शेयर ट्रांसफर कर लेने चाहिए अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट के साथ। देन तीन स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही ये चीज़ चलेगी। पहला, आपका ऑर्डर सेल ऑर्डर होना चाहिए, ये डिलीवरी टाइप का ऑर्डर होना चाहिए, या जब आप इंट्राडे से इसको चेंज करते हैं ऑर्डर टाइप को डिलीवरी में, तब भी ये चीज़ अलाउड रहेगी। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो जिससे पुराना ऑफलाइन फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आपको फॉर्म भरना होगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 3 पेज का फॉर्म है, इसमें साइन करना है आपको और ये आपको कुरियर करना होगा एक स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर। इस फॉर्मेलिटी को आपको एक ही बार करना है और देन यू कैन डायरेक्टली यूज़ योर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट। अब स्टॉक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली एक पॉपअप आएगा सेल ऑर्डर पे, उस पॉपअप पे ही आपको ये ओटीपी डालना है जो आपके फ़ोन और ईमेल एड्रेस पे आपको अवेलेबल रहेगा। सिंपल फॉर्मेलिटी है, पीओए का इस्तेमाल कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा। अभी अपस्टॉक्स के साथ है, आने वाले समय में बाकी ब्रोकर्स के साथ भी मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आपको कि एक स्पेसिफिक फैसिलिटी एक ब्रोकर लेके आया है जिसकी मदद से एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिसमें फिजिकल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व था वो हट गया है, उसको भी कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी हो, आपको वैल्यूएबल लगे। पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और अर्ड डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।